बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम फिर से एक नई रेसिपी के साथ आ चुके हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सादा सिंपल वाला पुलाव, जिसके लिए हमने 700 ग्राम चावल लिए बारीक वाले। इसको अभी हम धो लेंगे। अदरक लहसुन लेंगे एक बड़ा चमचा, स्वाद अनुसार लेंगे नमक, एक बड़ी साइज की प्याज को बारीक काट के लेंगे, दो से तीन आलू को चार पीस करके काट लेंगे, गोभी फूल गोभी लेंगे एक आधा किलो वाला, एक बंच लिया हमने इसको ऐसे पीसेस काट के लेंगे, इसको भी हम भिगा कर धो लेंगे। अक्के गरम मसाले लेंगे थोड़े से, और शाहजीरा और तेज़पत्ता लेंगे थोड़ा थोड़ा, पाव किलो लेंगे दही, और आधा किलो ये गोश्त है जिसको हमने गला कर रख लिया था। तो आइए देखते हैं हमारा पुलाव जो है किस तरह से बनता है। भगोने को हमने गरम के लिए रख दिया था, अच्छे से गरम हो गया है ये। इसमें चार से पांच चम्मच हम तेल डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छे से गरम करेंगे। तेल हमारा बहुत अच्छे से गरम हो गया है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे प्याज। प्याज के साथ ही हम डाल देंगे खड़े गरम मसाले। अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी बहुत अच्छे से ब्राउन कलर की हो गई है। इसमें हम अदरक लहसुन डालेंगे, एक चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे। इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से पकाएंगे अदरक लहसुन को हम। इसी के साथ इसमें कुटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने देंगे 5 मिनट के लिए। अच्छे से फ्राई हो गया है अदरक लहसुन और हरी मिर्ची। इसमें अब हम दही डालेंगे। दही डालने के बाद इसमें हम नमक डालेंगे, अपने हिसाब से डालेंगे हम नमक। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। दही अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें हम आज बिरयानी मसाला ट्राई करेंगे। ये सॉरी बिरयानी मसाला नहीं, बिरयानी एसेंस ट्राई करेंगे आज हम पुलाव में। इसके डालते हैं हम 5-6 कतरे, थोड़ा ज़्यादा ही डाल देंगे। इसमें इससे हमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिरयानी मसाले में। आज हम पुलाव में ट्राई करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम गोभी और आलू जो हमने धोकर रखा है वो डालेंगे। धो के ले लिया इसको, अब ये डालेंगे हम भगोने में। इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे 5 मिनट के लिए। इसको भी करेंगे अब मिक्स अच्छे से, और इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे। बहुत अच्छे से पक गया है इसमें गोभी और आलू मसाले में। अब इसमें हम चावल और गोश्त डालेंगे। पहले हम चावल डालेंगे धोकर, इसके बाद हम इसमें गोश्त डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। हल्दी और कलर इसमें हम आज नहीं डालेंगे, सादा सिंपल पुलाव बना रहे हम। वेजिटेबल और गोश्त का अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब इसमें पानी डालेंगे। इसमें पानी हम अपने हिसाब से डाल रहे, आप अपने हिसाब से डालिए। 2 से 3 गिलास पानी डाला हमने, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए फुल आँच पे हम पकाएंगे ढक्कन झाँक कर। एकदम फूल आ चे इसे हम ढक्कन झाँक देंगे। अब ढक्कन हमने निकाल लिया है। माशाल्लाह हमारा पुलाव जो है
बहुत टेस्टी और लजीज बन के रेडी हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसकी। आप भी ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी पुलाव की, फटाफट से बनने वाली। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।